Hola. मंजर जावेद मेरा नाम है और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से मेरा साथ है। आप लोगों के साथ जो मेरी एसोसिएशन है वो फॉर नेक्स्ट 4 डेज होगी और जो हमारा प्राइमरी फोकस होगा वो डेफिनेटली एसए के साथ होगा। इसमें यह है कि मैंने एसए को 2-3 हिस्सों में तकसीम किया है। सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर पे बात करें कि ऐसे है क्या, उसका स्ट्रक्चर क्या है, लिखना कैसे है, और सेकंडली फिर इसकी जो एक्सप्लोरेशन है आउटलाइंस कैसे बनानी है, और लास्टली जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं इस साल में वो हम डिस्कस करें। तो ये इसके 3 पॉइंट हैं। मैं इस अजम्पशन के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ कि डेफिनेटली आप लोगों ने पूरा साल पढ़ा है इस सब्जेक्ट को और आप लोगों की क्लासेस कंप्लीट हो गई होंगी जो डिफरेंट टीचर्स ने आप लोगों को पढ़ाई है। उसमें जो आज मैं चीज़ें हम डिस्कस करेंगे माइट भी काफ़ी चीज़ें उसी के साथ बेसिकली उसी को सप्लीमेंट करने के लिए। ये चूँकि रवीनल क्लासेस हैं तो जो कुछ हमने पढ़ा है उसी को हम रिवाइज करेंगे। इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो शायद नहीं हों तो आप लोगों को थोड़ा सा ये होगा कि पहले तो हमने स्ट्रक्चर या डिफरेंट चीज़ें इस कंटेक्स में पढ़ी थी, अब थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से हमें करने पड़ रही है। तो ये चैलेंज है आप लोगों के लिए जो आई पहले मैं आप लोगों को उसमें बता देता हूँ, लेकिन आप लोग अगर उसको अच्छे तरीके से तदबीर कर रहे हैं, अच्छे तरीके से जो पुराना पढ़ा है और जो नया आप पढ़ेंगे इसको आप लोगों ने रिलेट करना है एक दूसरे के साथ, फिर सिंथेसिस होगा, फिर आप लोग उसको एक अच्छे अंदाज में बेहतर अंदाज में आप लोग कर सकेंगे। एक चीज़ लास्ट में जो मैं कहना चाहता हूँ बिफोर में पार्टली इसको स्टार्ट करूँ कि ये 4 दिन मैं ये आइटम से फिर अपने इत्माद के साथ कॉन्फिडेंस के साथ कि अगर आप लोगों ने पूरी तवज्जो के साथ पूरी दिल लगी के साथ और इस चीज़ को पढ़ा समझा एसोसिएट किया क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है इसी टाइम में आपको फुल अपनी अटेंशन देंगे तो आई एश्योर यू कि आपका ऐसे इंशाल्लाह फेल नहीं होगा। ये चीज़ है हम बिल्कुल फोकस करेंगे जो चीज़ें हमारे रिलेटेड हैं, हम इधर उधर उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम भी वही है। और तो आई विल स्टार्ट के फ्रॉम एसे कि जब एसे आपको कोई कहता है कि कोई भी सब्जेक्ट हो कोई भी हो तो उसको आप लोग लेते किस तरह है, ऐसे है क्या। मैं कहता हूँ इकोनॉमिक्स क्या है, इन द सेम कॉन्टेक्स्ट जब मैं कहता हूँ व्हाट इज दिस तो ऐसे है बेसिकली बेसिकली इसी चीज के ऊपर हमारा पूरा सब्जेक्ट बेस है। देखें जब हम किसी चीज को अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि एक्चुअली ये चीज ऐसे है फिर बहुत इजी होता है उसको डील करना। मैं ऐसे ही कहता हूँ जैसे मैं कहूँ कि ये बड़ा डिफाइन कर लेता हूँ किसी चीज को, मैं कहता हूँ ये बड़ा अच्छा आदमी है तो इसके साथ चलना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि मैंने डिफाइन कर लिया। इस तरह जब भी कोई सब्जेक्ट है कोई भी चीज़ हो उसको जब आप डिफाइन कर लेते हो कि ये चीज़ है क्या तो फिर उसको समझना बहुत ईजी है। तो बेसिकली हमारे आप लोगों ने अगर रिजल्ट देखे हों पुराने तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे में फेल होते हैं। वजह क्या है, वजह यही है कि वो ऐसे को समझते ही नहीं और बहस इसमें हमारा अपना कसूर भी है
हमारे एजुकेशन सिस्टम का कसूर भी है, हमारी ट्रेनिंग का भी है, बहुत सारी चीजें। तो मैं बिफोर कि वो एक प्रॉपर इसमें स्टार्ट करूँ, मैं सिर्फ आप लोग को एक क्राइटेरिया दिखाऊंगा कि लोग फेल क्यों होते हैं, क्या चीजें होती हैं जिसकी कमी की वजह से फेल हो जाते हैं, और उनके जो मार्क्स आते हैं डिफरेंट ब्रैकेट्स में वो किस कंटेक्स्ट में आते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने इसको डेवलप किया। ये वो पहली एक है कि वो लोग जिनके 0 से 24% तक मार्क्स आते हैं, होते हैं ना, हम कहते हैं मेरे 0 मार्क्स हैं 5 मार्क्स हैं 10 मार्क्स हैं, तो आखिर क्या वजह है कि उनके 0 से 24 तक मार्क्स आते हैं। ये पहली वजह है जिस वजह से वो पास नहीं हो सकते। तो हमने ये अपने आप को ब्रैकेट करना है कि मैं किस ब्रैकेट में फॉल कर रहा हूँ, और उस ब्रैकेट से फिर दूसरी ब्रैकेट में जाने की कोशिश करते हैं। तो हर एक को पता हो गया अगर मेरी ये खामियां होंगी तो मैं डेफिनेटली इस ब्रैकेट में फॉल करूंगा। तो ये पहली मैंने एक बताई कि वेरी वीक एंड सीरियसली इनएडिक्वेट राइटर, कि जो मैं लिखता हूं वो मुझे एक टॉपिक देते हैं, टॉपिक के बारे में कहते हैं कि इस पे लिखो, तो जो मेरा राइटअप है वो बहुत वीक है, इनएडिक्वेट। वीक किस कंटेक्स्ट में है कि शायद लैंग्वेज वीक हो, आइडियाज वीक हो, वीक राइटर। और दूसरा इनएडिक्वेट कि जितना उसने मुझसे चाहा है, जितना उसने डिमांड किया है कि आपको इतना लिखना है, मैंने उससे कम लिखा, इनएडिक्वेट, वो उसकी जरूरत पूरी नहीं करता, एडिक्वेसी पूरी नहीं करता। तो ये पहली रीजन है, जब आपका पेपर चेक होता है तो वो लिखता है वगैरह कि इसका ये इसके अंदर पहले काम है। ये दूसरी है टू शॉर्ट एंड इनकोहेरेंट इन कंटेंट। टू शॉर्ट, आपने 3000 वर्ड लिखते हैं तो आप 500 लिख देते हो, 1000 लिख देते हो, और फिर जो लिखते हो उसके अंदर कोई रब्त नहीं, एक आइडिया का दूसरे आइडिया के साथ, तीसरे आइडिया के साथ कोई एक, जब मैं एक पूरी बात करूं तो उसके आपस में कनेक्शन होना चाहिए, तो यहां पे उसका कोई रब्त आपस में नहीं होता। ये दूसरी खामी। तीसरी खामी क्या है कि फेल टू एड्रेस एसे टाइटल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हम जब ऐसे पढ़ेंगे तो इन सारी चीजों को हम एड्रेस करेंगे, वन बाय वन देखेंगे कि आप लोग फेल टू एड्रेस टॉपिक। उसने मुझसे पूछा कुछ है, किसी कंटेक्स्ट में पूछा है, मैंने बेशक 4000 वर्ड लिखे हैं, 3 लिखे हैं, लेकिन मैंने कंटेक्स्ट कोई और बना हुई है, तो ये बहुत जरूरी है, फेल टू एड्रेस ऐसे टाइप है। चौथी चीज, लिटिल एविडेंस ऑफ नॉलेज, कि मैंने पूरा इससे लिखा, एविडेंस ऑफ नॉलेज से क्या मुराद है, एविडेंस ऑफ नॉलेज से ये मुराद है कि मैंने कोई एग्जांपल नहीं दी, कोई डाटा नहीं दिया, कोई रेफरेंस नहीं दी, कोई बोक कोड नहीं दी, किसी और चीज से अपनी बात को सपोर्ट नहीं किया। एविडेंस ऑफ नॉलेज यही है ना कि मैंने कितनी चीजें पढ़ी है, तो लिटिल एविडेंस ऑफ नॉलेज। फिर वेरी वीक एनालिटिकल स्किल, कि आप उस इशू को एनालाइज नहीं कर सकते, उसके प्रॉज एंड कॉन्स भी नहीं देख सकते। ये अब दूसरी कैटेगरी है कि वो लोग, आपने देखा होगा कि मेरे मार्क्स 30 आए हैं, 35 आए हैं, 38 आए हैं, 39 आए हैं, ये वो दूसरी कैटेगरी है, वो पहले से बेहतर है लेकिन जहर पास ये भी नहीं है। तो आखिर ये क्या गलतियां करते हैं जिनके मार्क्स 25 से 39 तक आते हैं। ये पहला है, वर्क पुअरली डायरेक्टेड एट ऐसे। पिछले का हमने क्या कहा था कि वो ऐसे टाइटल को अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहा है, इसमें उसने अंडरस्टैंड किया है बट पुअरली डायरेक्टेड एट द, कि जिस हद तक उसे टॉपिक को हिट करना चाहिए था वो उसने हिट नहीं किया। जो इसकी सेकंड रीजन है, ये सेकंड रीजन है, ये थर्ड रीजन है कि इनएडिक्वेट और एब्सेंट रेफरेंसेस। ये फोर्थ रीजन है कि मेजर फैक्चुअल एरर्स, के आपने किसी कोई फिगर गलत दे दी, किसी का नाम गलत कोट कर दिया, कुछ भी हो सकता है ना, जो फैक्चुअल एरर्स आपका,
तो ये इसके अंदर है। अगर आप फाउंड फाउंड उसको आपको स्पार्ट कर लेता है कि ये चीजें इसने तो रेट लिटरेसी रेट इतना था, इसने तो इतना लिखा है, वहां का प्रेसिडेंट तो ये था, इसने ये लिखा है, ये ला तो कुलां है, इसने तो गलत ला का रेफरेंस दिया, ये तो फैसला आया ही नहीं था, इसने वो लिख दिया, तो मेजर फैक्चुअल एरर। ये एक नहीं नहीं जो फैक्ट है फैक्ट तो एक्चुअल होता है ना अप्रॉक्सिमेट। तो 4300 सोल्जर्स डाइड इन इराक वॉर तो हम अप्रॉक्सिमेटली आप कोई रेफरेंस कोड कर लो कि फलां ये कहता है उसकी रिपोर्ट में इतना लिख लो, तो मेजर फैक्चुअल एरर्स। चौथी चीज नो क्लियर आर्गुमेंट्स कि आपके मैंने आपके आर्गुमेंट्स में क्लैरिटी नहीं होती कि आप आर्गुमेंट है क्या, पहले क्लैरिटी से क्या बोला कि आर्गुमेंट है क्या, किसकी सपोर्ट में है और उससे आप नतीजा क्या निकालना चाहते हैं, तो क्लैरिटी होनी चाहिए। जब मैं बात करूं तो उससे मुझे पता लगे कि इसका एंड है क्या। नहीं सर, जहां पे आप कह रहे हैं एब्सेंट रेफरेंसेस, डज इट मीन कि एग्जामिनर जाकर आपका हर रेफरेंस चेक भी करता है? डेफिनेटली नहीं, आपका वो पूरा ऐसे पढ़ता है, आपने बहुत सारे आइडियाज दिए, आइडियाज को सपोर्टिंग ही किया किसी रेफरेंस से, तो वो कहता है इसने रेफरेंस दिए ही कोई नहीं। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि आपने रेफरेंस दिए, किसी आइडिया का रेफरेंस तो दे दिया, किसी का नहीं दिया। आपने अगर 30 आइडियाज दिए हैं, हो सकता है 5 के आपने दे दिए हो, 7 के दे दिए हो, लेकिन सबके ना दिए हो, तो वो कहता है इनएडिक्वेट। ये बात लेकिन अगर आप उस इंप्रेशन को कैरी आउट करते हो तो फिर आप पास हो। लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ आपकी आउटलाइन ही देख के कहे जाए ठीक है पास ही करते, ऐसा नहीं हो। ये नेक्स्ट है शॉर्ट पोअरली ऑर्गेनाइज्ड वर्क, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एसे कि आपने पहला आइडिया, दूसरा आइडिया, तीसरा आइडिया, चौथा आइडिया और स्ट्रक्चर क्या फॉलो किया है, तो अगर वो उसमें कमी होती है तो ये चीज इनकरेक्ट कंक्लूजन। ये कभी उन लोगों का अलग ही है जो फेल होते हैं। इनकरेक्ट कंक्लूजन किस का अपराध है? आपने एक 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 आपने डाटा कोट किया है, वो शायद प्रूव करने के लिए किसी और चीज के लिए हो, लेकिन आपने उससे नतीजा कुछ और निकाला है, अपनी मर्जी का निकाला है, तो कहते हैं इनकरेक्ट कंक्लूजन। सो और लास्ट हुई बात वीक राइटिंग एनालिटिकल स्किल्स, तो ये चीजें हैं कि वो स्टूडेंट जो उनकी पहले कैटेगरी से तो बेहतर है लेकिन अगेन पास नहीं हो सकते, तो हमने ये जो अपनी खामियां हैं इनको हमने दूर करना है, एक एक पे हमने फोकस करना है। क्या मेरा एसे टाइटल को मैंने पूरा फोकस किया, लैंग्वेज मेरी ठीक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है, रेफरेंसेस मैंने पूरे दिए हैं, कोई फैक्चुअल एरर तो नहीं की, आर्गुमेंट से वाकई हुई नतीजा आ रहा है जो मैं चाह रहा हूँ या एग्जामिनर चाह रहा है, और ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये एक कैटेगरी। अच्छा नेक्स्ट वो कैटेगरी है जो पास हो जाते हैं लेकिन वो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 40 से 50 के दरमियान होते हैं, 49 आते हैं, जाहिर ये पास तो हो गए हैं लेकिन हम इन मार्क्स को अच्छी मार्क्स नहीं कहते कि बेयरली
इसमें हम देखेंगे कि इनकी खूबियां क्या होती हैं और इनकी खामियां क्या होती हैं, कि ये 49 से ऊपर क्यों नहीं है, क्यों 49 तक इन्होंने स्टिक कर। ये पहली है कि पहला उसने टॉपिक को एड्रेस नहीं किया था, दूसरे ने पुअरली किया था। अब इसका क्या आ गया, एडिक्वेट नॉलेज, यानी टॉपिक के बारे में उनके पास इंफॉर्मेशन नॉलेज वो क्या होता है, काफी होता है। तो ये बकायदा एग्जामिनर अपने कमेंट्स दे रहा है कि इसका लेवल ऑफ नॉलेज क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है। सेकंडली रीजनेबली वेल प्रेजेंटेड, अपनी बात को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करता है, समझा के प्रेजेंट करता है, कन्विंस करने की कोशिश करता है, जो वो कहना चाहता है वो बेहतर तरीके से कन्वे करता है। ये उसकी खूबियां हैं। फोकस ऑन एसे टाइटल, जो उससे पूछा गया है उसी के ऊपर फोकस कर, ये नहीं है कि वो इधर उधर की बातें करें। एडिक्वेट राइटिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स उसके पास अच्छी होती है। अब ये उसकी खामियां हैं, अगर ये खामियां ना होती तो वो इससे ऊपर मार्क्स लेते। इनकम्प्लीट आर्गूमेंट्स उसकी पहली खामी है। इनकम्प्लीट आर्गूमेंट्स क्या है, आर्गूमेंट कम्प्लीट इसलिए होता है, इस तरह होता है, पहले आप आर्गूमेंट दें, उसको एक्सप्लेन करें, उसको सपोर्ट करें, उसको कंक्लूड करें, ये चार स्टेजेस हैं। तो और उसे नतीजा वो क्या करता है, हो सकता है उसने आर्गूमेंट अपना दे दिया हो, उसको एक्सप्लेन ना किया हो, पॉसिबल है, हो सकता है एक्सप्लेन किया हो, उसको सपोर्ट ना किया हो सकता है सपोर्ट किया हो, उससे कोई नतीजा ना निकाला हो, सकता है उसको लिंक ना किया हो अपने मेन थीसिस के साथ। तो इसलिए हम कहते हैं इनकम्प्लीट आर्गूमेंट, हो सकता है कुछ आर्गूमेंट्स को किया हो कुछ को ना किया हो, ये उसकी खामी रह गई। ये दूसरी है वीक स्ट्रक्चर, कि इंट्रो पार्टी कंक्लूजन आउटलाइन ये पूरा एक स्ट्रक्चर है, ये उसका वीक होता है, उसको पूरा स्ट्रक्चरलाइज नहीं कर पाता। इंफॉर्मेशन तो बहुत है, टॉपिक को हिट भी दिया, फोकस भी रहा, लेकिन प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर पाता। ये है इश्यूज, डॉक्यूमेंटेड विद नॉट डॉक्यूमेंटेड विद रेफरेंसेस एग्जांपल्स, प्रॉपर उसने इश्यूज को एग्जांपल के साथ, इश्यूज के साथ, प्रॉब्लम के साथ उस तरह हाईलाइट नहीं किया। और लास्ट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, लिमिटेड रेंज। इससे क्या मुराद है, उसकी खामियां अगर ये ना होती तो वो 60 से 50 से ऊपर था। अब ये नेक्स्ट कैटेगरी है, वो स्टूडेंट जिनके 50 से 69 तक आते हैं, उनके अंदर क्या खामी है, क्या खाम है सारी चीज़। इसलिए मैं ये दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग अपने आप को एनालाइज कर सकें और कोशिश कर सकें कि आपने किस ब्रैकेट में फाल, कहाँ पे हैं, कहाँ पे जाएं, और जाने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये एक एक चीज़ जब आप ऐसे लिखें तो खुद चेक करें कि ये स्टैंडर्ड है, मैंने इनके अगेंस्ट अपना ऐसे लिखा। तो ये गुड लेवल ऑफ नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, वेल ऑर्गेनाइज्ड राइटअप, ये डाइवर्सिटी ऑफ मटेरियल टू सपोर्ट एंड डेवलप आर्गुमेंट, कि आप अपने आर्गुमेंट को सपोर्ट कैसे करते हैं, कोई मतलब सिर्फ एक एग्जांपल से कर देता है, कोई डिफरेंट चीजें लेके कर देता है, डिफरेंट एंगल से उसको सपोर्ट करता है। तो ये कि पुट डाइवर्सिटी ऑफ मटेरियल टू सपोर्ट एंड डेवलप आर्गुमेंट। ये है इश्यूज, आर्गुमेंट्स, वेल डॉक्यूमेंटेड विद रेफरेंसेस, एग्जांपल्स, गुड राइटिंग स्किल्स। अब ये उनका उनकी खामी है कि ये 70 से ऊपर क्यों नहीं जा सकते, ये उनकी पहली खामी है। ये खामी क्या है, वीक एनालिसिस ऑफ द ऑब्जेक्ट इश्यूज टॉपिक्स, एनालिसिस जो उनका है ना वो प्रॉपर जिस लेवल का चाहिए वो नहीं। वन, सेकेंडली ये अगेन उनकी खामी है कि रिजल्ट वीकली ड्रॉन, कंक्लूजन नॉट क्लियरली एक्यूरेटली एक्सप्रेस्ड, कि जो आपने पूरा एक पैरा लिखा है, एक पूरा पैराग्राफ लिखा है, आपने उसे रिजल्ट क्या लिखा है, तो वो कहते हैं ये वीकली रिजल्ट प्रॉपर नहीं निकालते, वीक का रिजल्ट
ये अब नेक्स्ट कैटेगरी 70 से 79 तक है। ये जो मैं चीजें इस कलर में लिखी हैं, ये वाले कलर में, ये नई चीजें हैं जो पिछले में नहीं थी। जो इससे ऊपर जाते हैं वो इन चार को भी फॉलो करें कि ओरिजिनली ओरिजिनलिटी इन राइटिंग है। पहले की तो पहले का सिर्फ क्या था, लैंग्वेज पे, लैंग्वेज आपकी बहुत अच्छी है लेकिन इसकी लैंग्वेज ओरिजिनल राइटिंग है, फ्लेयर है उसकी राइटिंग के अंदर, उसने अपना एक वो बनाया हुआ है, फ्लुएंटली रिटन, कहीं भी नहीं लगता कि इसने ये पास किया है, ये पास किया है, बड़ा फ्लुएंटली आपको एक पीस लगता है। फिर क्या है, इंडिपेंडेंट आर्गुमेंट्स, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट आर्गुमेंट्स होते हैं। तो इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि एक ही आर्गुमेंट को लेके उसको टॉपिक के साथ लिंक कर दें, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम अगर दो चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो और फिर उसको आप थीसिस के साथ लिंक करें तो वो वीक हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि पौधे को ग्रो करने के लिए पानी और हवा चाहिए, ये होंगे तो आपस में वो पौधा डेवलप हो जाएगा। अब पानी क्या है, एक फैक्टर है, हवा क्या है, दूसरा फैक्टर है। तो अगर हम पौधे को ग्रो करना है तो दोनों चीजें चाहिए। अगर हम कहेंगे यार ये जो है पानी है ये इसको नहीं देंगे, सिर्फ हवा देंगे, डेवलप हो जाए नहीं होगा। तो ये इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट आर्गुमेंट के दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट हो ज्यादातर, और उसमें होता क्या है फिर बात क्लियर नहीं समझ नहीं आती। तो वो कहते हैं जो इसके अंदर आते हैं वो इंडिपेंडेंट आर्गुमेंट देते हैं कि एक ही कंप्लीट फैक्टर लेते हैं उसी को डिपेंड उसी के साथ रिलेट करके और उसको डेवलप करते हैं। और फिर क्रिटिकल रीडिंग रेफरेंस, इसका क्या मतलब है क्रिटिकल रीडिंग रेफरेंस, देखो हमने शुरू में पढ़ा कि रेफरेंस है ही नहीं, अब्सेंट है, फिर हमने पढ़ा इनएडिक्वेट है, फिर हमने पढ़ा प्रॉपर रेफरेंसेस हैं। यहाँ पे ये होता है कि वो एक और स्टेज पे जाता है कि उसने एक रेफरेंस कोट किया, एक बुक कोट की, एक रिपोर्ट कोट की, तो वो उसने कर ली तो उसमें भी वो खामियां बताता है कि ये जो मैंने कोट किया है इस रिपोर्ट की भी लिमिटेशन है। यानी आपने उस रेफरेंस को भी क्रिटिकली देख के कोट कर, जाहिर कोई भी बुक होती है वो हर से आखिर तो नहीं होती, उसके अंदर भी तो खामियां होती हैं। तो अपने रीडर को बताता है कि ये उसने आर्गुमेंट दिया है। जैसे भाई ने अभी सवाल किया था कि मैं किसी उधर कह दूंगे कि 300 सोल्जर्स वो हुए हैं, इसने एक रिपोर्ट कोट कर दी, अगर ये लिख दे कि ये एक रिपोर्ट है, इसके अंदर भी इख्तलाफ है, डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं, ये रिपोर्ट 300 कहती है, ये रिपोर्ट 400 कहती है, ये रिपोर्ट 500 कहती है, और इस रिपोर्ट का जो सैंपल है वो प्रॉपर नहीं है या ठीक नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अपने रेफरेंस को भी एनालाइज कर रहा है क्रिटिकली। तो ये वो स्टेज है क्रिटिकल रीडिंग रेफरेंस। तो ये हमारी है स्टेज जब आप 80 तक लेते हैं। और फिर आपके लास्ट है, ये बेसिकली चीजें हुई हैं जो हमने पहले लिखी हैं, लेकिन जाहिर है इनका लेवल बड़ा हो जाता है, इनके अंदर और एक्सीडेंट्स आ जाते हैं। तो ये आप लोगों को सिर्फ बताने का ऑब्जेक्टिव ये था कि ताकि ऐसे हम समझते हैं कि वो वैसे ही हमारा चेक हो जाता है, उसके अपने ऊपर डिपेंड करता है नहीं, ऐसे में हर चीज मायर्ड होती है, एक एक चीज मायर्ड होती है, उस आपकी लैंग्वेज, आपके आइडिया, आपके रेफरेंसेस, आपका स्ट्रक्चर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कोहेरेंस, ये सारी चीजों को वन बाय वन वो देखता है। और जब आपके मार्क्स आते हैं तो वो सारी चीजों को देख के आते हैं। तो ये कभी नहीं समझना कि सिर्फ एक चीज या दूसरी चीज या तीसरी चीज नहीं, आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं, आप अपना टारगेट ये रखें कि मैंने यहां तक पहुंचना है, और फिर अपने उसको देख लें कि मैं इस वक्त हूं कहां, उसमें चीजें कौन कौन सी मेरी मिस्टेक्स हैं। तो आई एम श्योर कि ये कोई चीजें मुश्किल नहीं है, आप लोग पहले भी करते हैं, सारे कर रहे होते हैं, लेकिन फोकस नहीं होता ना, पता नहीं होता। तो जब पता कॉन्शियसली करता है कि नहीं मैंने ये चीज भी कर दी, रेफरेंस देना, मैंने थोड़ा सा इसको एनालाइज भी कर,
मैंने आर्गुमेंट देना है, हम दे रहे होते तो आर्गुमेंट को मैंने कंप्लीट करना है, आर्गुमेंट देना है तो मैंने उसे नतीजा भी निकालना है, आर्गुमेंट देना है तो मैंने लिंक भी करना है, छोटी छोटी चीजें हैं। तो वो उससे होता क्या है, आपका जो ओवरऑल एक उस एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया है वो पूरा हो जाता है। तो सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप किसी एग्जाम के लिए जाओ तो आपको पता होना चाहिए कि हमें वो असेस किस बुनियाद पे करेगा, फिर मैं उसी के मुताबिक तैयारी करूंगा। देखो अगर कोई बंदा कहता है कि यार ये दौड़ की बुनियाद पे असेस करेगा तो मैं दौड़ूंगा, ऐसे है कि नहीं? कोई बंदा कहेगा कि ये बोलने की बुनियाद पे असेस करते तो मैं अच्छा बोलूंगा। तो हमें एग्जामिनर के क्राइटेरिया का पता होना चाहिए, हम ऐसे ना लगे रहें कि नहीं नहीं, ताकि हम बैलेंस अपनी तैयारी कर सकें। तो सो ये जितनी चीज मैंने बताई तो ये उसका क्राइटेरिया है। अगर आपने आपको पता हो गया अगर 20 मार्क्स आए हैं तो मेरी ये खामी, 30 आए हैं तो ये खामियां, 40 आए हैं तो ये खामियां, 50 आए हैं तो ये खामियां, ये हो सही है। तो इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज हो तो आप लोग इसे मैंने कहा कि अगर आपने एक ही पैराग्राफ में आप दो आइडिया और वो दो आइडिया अपने ऊपर डिपेंडेंट हो एक दूसरे के साथ, फिर उनको आप थीसिस के साथ लिंक करें तो ये डिपेंडेंट आर्गुमेंट। जैसे मैंने मिसाल दी कि आप एक ही उसमें कहते हो कि पौधे को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, और क्या चाहिए, हवा चाहिए। तो जो ऐसे का स्ट्रक्चर है उसमें ये चाहिए कि आप सिर्फ एक फैक्टर लिखें एक पैराग्राफ, दो फैक्टर ना, अगर दूसरा कोई फैक्टर लिखना है तो वो किसी और पैराग्राफ में लिखें, एक पैराग्राफ में सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर, एक कंप्लीट आइडिया जिसको आप उसके साथ लिंक कर सकते, इंपॉर्टेंट है, हम कहते हैं ये इंडिपेंडेंट है। अब हम अपने प्रॉपर एसे पे आएंगे कि बेसिकली इन्हीं की रोशनी में ये जितनी चीजें मैंने बताई हैं ये आप अपनी अपनी नोट कर लेंगे, और एट द एंड ऑफ द लेक्चर हमें ये पता होना चाहिए कि मैंने इन चीजों पे किस लेवल पे कितनी हमने पढ़ी, और इनमें जो कोई कंफ्यूजन हो तो हम वन बाय वन आप लोगों से पूछते भी रहेंगे और मैं उसको क्लैरिफाई भी करता हूँ। तो बेसिकली ऐसे तीन चीजें चाहिए ऐसे के, यानी मेरे सामने कोई राइटअप रखे ना राइटअप, तो मैं तीन चीजें देखूंगा कि ये ऐसे है या ऐसे नहीं है। ठीक है, कोई तीन आप यूं समझ लें कि मेरे पास कोई राइटअप आया तीन तीन दस दस पेजेज आए तो मुझे कहते हैं आइडेंटिफाई करो कि ये क्या चीज है, तो मैं राइटअप को देख के आइडेंटिफाई कर सकता हूं कैसे? इंफॉर्मेशन और स्ट्रक्चर से गुड। और देखो जब मैं पढ़ूंगा तो मुझे लगेगा यार ये नावल की शक्ल में तो नहीं है, हो सकता है ये ड्रामा तो नहीं है, तो वो पढ़ते ही उसका मुझे पता लग जाएगा कि ये किस फॉर्मेट से है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मैं कैसे पहचानूंगा कि ये राइटअप ऐसे है या ऐसे नहीं है, तो इसके लिए तीन कंडीशन हैं, तीन कंडीशन आपने मीट करनी है बुनियादी। पहली कंडीशन, अगर आपका राइटअप के अंदर ओपिनियन है, पहली कंडीशन कोई राय नहीं है किसी टॉपिक के ऊपर, देन राइटअप किसी चीज के बारे में होगा, तो पहली कंडीशन क्या है राइटअप ओपिनियन। दूसरी कंडीशन सपोर्ट ऑफ द ओपिनियन, और तीसरी चीज फॉर्मेट। ये
तीन चीजें मिलके आपका एसे बनाएंगे। बड़ी क्लियर सी, बड़ी वाज़ह सी इसकी पहली चीज राय कि मैंने इस पे कोई स्टैंस लिया, राइटर ने कोई स्टैंस अपना लिया, कोई उसने अपनी ओपिनियन ली। अगर उसके अंदर ओपिनियन है तो मैं कहूंगा ये उसने पहली कंडीशन एसे की मीट कर ली। दूसरी चीज मैं कहूंगा जो भी उसने राय दी है क्या उसने अपनी राय को सपोर्ट किया थ्रू डिफरेंट आर्गुमेंट थ्रू डिफरेंट आइडिया। अगर उसने अपनी राय को उसी राय को पूरे ऐसे के अंदर सपोर्ट किया तो मैं कहूंगा ये उसने दूसरी कंडीशन मीट कर। और तीसरी कंडीशन फॉर्मेट। अगर आप लोगों ने कभी पढ़ा हो कहीं देखा हो सोचा हो तो अदब की जितनी भी चीजें ना ऐसे क्या है अदब की फॉर्म है लिटरेचर की एक टाइप। लिटरेचर की और टाइप्स क्या हो मैं सिंपल सा एक आप लोगों को फार्मूला बता कि लिटरेचर नावल शॉर्ट स्टोरी ड्रामा और एसे। मुझे चीज बताएं कि क्या इन चारों चीजों का टॉपिक एक हो सकता है? हो सकता है। मिसाल के तौर पे हम पॉवर्टी है, पॉवर्टी पे हम नावल भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। पॉवर्टी पे हम शॉर्ट स्टोरी भी लिख सकते हैं, पॉवर्टी पे हम ड्रामा भी बना सकते हैं, पॉवर्टी पे ऐसे भी लिख सकते हैं। सो मौजू तो कोई भी हो सकता है। पहली चीज अगर इसके अंदर भी यही चीज है, ये टॉपिक है, इसके अंदर भी ये है, तो फिर इनके अंदर फर्क क्या होगा? सिर्फ एक फर्क है फॉर्मेट कि आप सिर्फ फॉर्मेट बदलते हैं और आपकी जनरल सेंस जो है ना वो बदलती है। कि अगर आप नावल है जो इसके अंदर आइडिया आ रहे हैं अगर उसको आप आर्गुमेंटेटिव फॉर्म में लिख दें तो ऐसे बन जाएगा, ऐसे ही नहीं। तो सो फॉर्मेट है जो इन सब को डिफरेंशिएट करता है। ठीक, आपने कभी ऐसी कोई चीज लिखी और वो शेर बन गया? शेर बनता है? नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? फॉर्मेट, उसको एक आपने वजन में ले आना है, राइम स्कीम। तो ये कैसे हो सकता है कि मैं एक चीज लिखूं और वो मेरा ऐसे बन गया? नहीं बन सकता। वो मेरा पीस ऑफ राइटिंग तो हो सकता है लेकिन ऐसे नहीं हो सकता। तो सो ऐसे का मुझे प्रॉपर एक जो स्ट्रक्चर है वो फॉलो करना पड़ेगा। सो ऐसे का स्ट्रक्चर क्या है? जो ऐसे का स्ट्रक्चर है या फॉर्मेट है वो इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन, ये तीन चीज। इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन, ये बहुत आम है कि इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। लेकिन असल मसला इंट्रो है क्या, बॉडी है क्या, कंक्लूजन है क्या, वहां पे इश्यू शुरू हो। ये बड़ा और ये जो स्ट्रक्चर है ये अदब की और किसी सेंस का नहीं, सिर्फ ऐसे का है। ये स्ट्रक्चर नावल का नहीं है, ये शायरी का नहीं है, अफसाने का नहीं है। ठीक, तो सो हमें क्या पता लगा कि ऐसे क्या है? ऐसे के अंदर तीन चीज, ओपिनियन हो, ओपिनियन को सपोर्ट किया गया हो और ये फॉर्मेट फॉलो किया गया। तो हम कहते हैं ये जो राइट अप है ये क्या है? ऐसे, बड़ा सिंपल। ओपिनियन, सपोर्ट टू द ओपिनियन और तीसरा फॉर्मेट। समझ गए? अब हमने इसी चीज को फर्दर एक्सप्लेन करना है। ये जो आज का मेरा पूरा लेक्चर होगा ये इन्हीं चीजों पर होगा।
ओपिनियन क्या होगा? कोई भी स्टांस, कोई भी आपकी जब वो कहते हैं ना किसी टॉपिक के ऊपर आप अपनी ओपिनियन दें, योर थॉट ऑन दैट स्पेसिफिक किसी के पास ऐसे के पेपर है कुरान क्लास नहीं मॉक पेपर कोई दे दे मुझे जस्ट मैं एक कुछ थोड़ा सा आप लोगों को इसके साथ लिंक कर कोई देते पिछले साल वाले थे कोई दे एक जस्ट निकाल आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान एंड वेज टू मीट दैट ये मिसाल के तौर पर हमारे पास ठीक है। अब मैंने क्या करना है इसके बारे अपनी ओपिनियन दें, ये मेरे पहला चैलेंज मेरे सामने है। ऐसे मैं लिखूंगा तो पहले ओपिनियन दूंगा। तो कोई बंदा आप लोगों ने पेपर ये दिया है तो किसी के दिन में है वो भी पहले हम प्रॉब्लम्स मेंशन करेंगे फिर वेस्ट काउंटर मेंशन करेंगे पहले हम दीदी की प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और अपने नेचुरल रिसोर्सेज पे रिलाई करना है इन ऑर्डर टू मीट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान एंड वेज टू बीट देम आप क्विक तीन एक मिनट में इसको जो बनती है लिखें एक जस्ट ड्रॉ नहीं सिर्फ ओपिनियन सिर्फ चार पांच लाइन की ओपिनियन कि अगर मेरे सामने ये है तो मैं इसके बारे में अपनी राय क्या फिर हम बेटर इसको
मैं जस्ट इसको अब जब हम इसको पढ़ेंगे आप लोगों ने देख लिए, अभी आप लोगों ने एनालाइज करना है कि क्या जो कुछ मैंने लिखा है वो उस ओपिनियन के क्राइटेरिया पे पूरी उतरती है चीज के नहीं उतरती, ठीक है ना। मैं एक ओपिनियन देता हूँ, असल चैलेंज ही यही है कि जो मैं बात करता हूँ क्या वो वाकई ओपिनियन, क्या उसको मैं ओपिनियन कह सकता हूँ। तो मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इनके साथ हम रिलेट करेंगे जो जो कुछ आप लोगों ने दिखा, ताकि हम प्रैक्टिकली उसको हर एक बंदा अपने आप को खामियां खुद से पकड़ सके कि ये मेरी इश्यूज हैं, ये इसके अंदर इश्यूज। अब देखें ओपिनियन कोई इसको डिफाइन करेगा एनी बॉडी, जब मैं कहता हूँ कि ये मेरी राय है, what is stance? अच्छा क्या opinion, judgment हो सकती है किसी चीज के बारे में? What do you think about specific matters? Independent? What is independent part? Your belief about it's the representation of dynamic personalities. Opinion is an idiosyncrasy of a person which is developed after a lot of reading and analysis. वो तो process आपने बता दिया है, कैसे? वो product खुद क्या है? It itself. Sir, what you have? ठीक है. For us, क्या ऐसे करते हैं? चलो मैं इसको थोड़े से बड़े और simple अंदाज़ में, ताकि मैं कहता हूँ कि हम जो जीत करें हमें उस पूरा इतमाद हो कि हम वाकई जो बात कर रहे हैं उसको हम चैलेंज, कोई भी चैलेंज करें या हम उसको चैलेंज करें। मैं एक और सादा वर्ड लेता हूँ जो इस ओपिनियन से भी पहले आता है, वो वर्ड है बिलीफ का। बिलीफ, मैं प्रोसेस की बात नहीं करता कि आप बिलीफ आप बनाते कैसे हो, लेकिन आपके कुछ बिलीफ्स हैं ना, ऐसे हर बंदे के हैं ना, वो उसके पॉलिटिकल बिलीफ भी हो सकते हैं, सोशल बिलीफ भी हो सकते हैं, रिलीजियस बिलीफ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ऐसे वो बिलीफ्स क्या है? गुड, कंक्लूजन है, इट्स अप क्या है? अच्छा बिलीफ, बिलीफ से निकला है ना, मान लेना, मानना। तो जब भी आप किसी चीज को मान लेते हो कि ये ऐसे है या ऐसे नहीं है, वो
वो क्या बन जाता है आपका बिलीव बन जाता है किसी चीज पे मांग लेने को कि मानते कैसे प्रूफ एज अ प्रूफ ये ऐसे है या ऐसे नहीं है तो क्या बन जाता है बिलीव तो बिलीव से मुराद ये हो कोई भी आइडिया जिसको कोई बंदा ट्रू मान ले या मान ले कि ट्रू है या ट्रू नहीं है उसको क्या कहते हैं बिलीव सही है मिसाल के तौर पे मैं छोटी सी मिसाल से फिर हम डिफरेंट कॉम्प्लेक्स में जाएंगे मैं कहता हूं कि ये बड़ा हार्ड वर्कर आदमी है तो ये क्या है मेरा बिलीव है मैंने मान लिया नहीं ऐसे मैं कहता हूं ये पॉलिटिकल पार्टी सबसे मैच्योर पार्टी है ये मैंने मान लिया मैं कहता हूं खुदा एक है दो दिनों से ठीक मैं कहता हूं इस वक्त जो ट्रंप का ये डिसीजन है पुल आउट करने का फोर्सेस का ये गलत है मान लिया किसी ने बात कोई भी बात जिसको कोई बंदा मान ले ठीक कि ये ऐसे है या ऐसे नहीं है उसको क्या कहते हैं बिलीव इसको अपने मत भी उसमें नहीं लेना जर्मन टर्म में तो मानना किसी चीज का मानना ठीक अच्छा अब एक और चीज मुझे बताएं कि ऐसे बिलीव जिसकी बुनियाद दो चीजों पे ना हो उनको हम ओपिनियंस कहते हैं ऐसे बिलीव जिनकी बुनियाद हम कहते हैं एक एम्पिरिकल डाटा पे ना हो और दूसरी एब्सोल्यूट रियलिटी पे ना हो या एब्सोल्यूट सर्टेनिटी पे ना हो ऐसे बिलीव्स को हम क्या कहते हैं ओपिनियन ये मैं इन दोनों को एक्सप्लेन कर दूंगा लेकिन अभी सिर्फ ये रखना है यानी बिलीव और ऐसे बिलीव जिनकी बुनियाद इन दो चीजों पे हो उनको फैक्ट्स कहते हैं ठीक है यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि ओपिनियन और फैक्ट में क्या फर्क है ऐसे बिलीव जिनकी बुनियाद इन दो चीजों पे हो उन बिलीव को क्या कहते हैं फैक्ट्स और जिनकी बुनियाद इन दो चीजों पे ना हो या ये दो चीजें ना हो आप यूं कहें उन बिलीफ को हम क्या कहते हैं अब मेरी एम्पिरिकल डाटा से क्या बराबर अब मैंने को फिर आप इसको बड़ा क्लियरली अंडरस्टैंड करें मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि करंट ट्रेड डेफिसिट ऑफ पाकिस्तान इज से 16 बिलियन यूएस डॉलर ठीक तो ये बिलीफ है अगर आप इसको कोई किसी भी बात को मान ले बिलीफ है बिलीफ की कैटेगरी में आता पहली स्टेज बिलीफ की कैटेगरी में आती है कि नहीं आती है दूसरी चीज तो मैंने क्या कहा कि करंट डेफिसिट ऑफ ट्रेड इज 16 बिलियन अब 16 बिलियन क्या है डाटा है एम्पिरिकल डाटा है जिसको मैं थ्रू डॉक्यूमेंट प्रूव कर सकता हूं ठीक तो सो ये मेरा बिलीफ ये क्या चीज बन जाएगी दिस वुड बी अ फैक्ट फर्क समझ कि ऐसी स्टेटमेंट जो जिसको हम इसकी एक और भी रखते हैं हम कहते हैं जो फैक्ट होता है उसको हम बियॉन्ड डाउट प्रूव कर सकते हैं डाउट यानी उसमें शक शुबा नहीं है और जो ओपिनियन है उसको बियॉन्ड डाउट प्रूव नहीं किया जा सकता यानी उसको 100% प्रूव नहीं किया जा सकता
यहाँ तक समझे फॉलो किया कि कोई भी बिलीव जो अब्सुर्ड जिसकी बुनियाद एम्पिरिकल डाटा हो, हम कहते हैं कि ये एक फैक्चुअल ये ओपिनियन नहीं है, जिसकी मिसाल मैंने ये हम कहते हैं ये इसकी मिसाल है एम्पिरिकल। इस तरह की बहुत सारी चीजें जिनको आप इस कॉन्टेक्स्ट में कह सकते हो। दूसरी चीज इससे क्या मुराद है एब्सोल्यूट सर्टेनिटी, हाँ जी मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि प्रेसिडेंट ज़िया हैज क्रैश्ड इन अ प्लेन, एक एब्सोल्यूट सर्टेनिटी है। ये वार ऑफ इंडिपेंडेंस टुक प्लेस इन 1957 रियलिटी। सो याद रखना है कि कोई भी बिलीफ जिसकी बुनियाद इन दो चीजों के ऊपर होगी वो हमारा ओपिनियन है। वो कौन सी स्टेटमेंट बनेगी, फैक्ट। तो ये पहला डिफरेंस है। तो हम कहते हैं कि ओपिनियन इज अ बिलीफ which is not based on empirical data or absolute certainty but seems to be true and reliable। मैं उसकी अपनी मिसालें दूंगा फिर आप लोग उसको भी बड़ा इजीली अंडरस्टैंड। और ऐसे में हमने क्या चीज देनी है, ओपिनियन। ऐसे के बारे में हमने पहली कंडीशन क्या है, इट शुड बी योर ओपिनियन। और दूसरी ये जो डेटा है इसको जो मैंने एक और शर्त बताई है कि ये बियॉन्ड डाउट प्रूव किया जा सकता है, और ओपिनियन बियॉन्ड डाउट प्रूव नहीं की जा सकता। से कि डिक्टेटर्स डाई इन अ बैड वे दैट इज एन ओपिनियन और उसके सपोर्टर्स या उन्होंने डाई इन अ मैं कहता हूं कि कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल इन द प्रेजेंट रिजीम इज इंक्रीजिंग। मिसाल के तौर पर ये मेरी ओपिनियन है, फैक्ट है, ठीक है। अब देखें इसको मैं बियॉन्ड डाउट प्रूव कर सकता हूं, नहीं कर सकता ना, एक हद तक कर सकता। दिस द डिफरेंस। मैं कहता हूं ज्यूडिशियल एक्टिविज्म इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ पुअर पीपल। ये क्या होगा, ओपिनियन। यानी आपने समझना यह है कि कोई बात जिसकी बुनियाद या जो एम्पिरिकल डेटा हो या एब्सोल्यूट सर्टेनिटी हो वो क्या हो सकती है, मेरी ओपिनियन नहीं हो सकती। और वो बात जो जिसकी इन चीजों में बुनियाद ना हो यानी ये ना हो और जिसको मैं बियॉन्ड डाउट प्रूव ना किया जाए उसको ओपिनियन कहते हैं। सो ये पहला एक है ओपिनियन। अब आपको पता फर्क लग गया कि ओपिनियन और फैक्ट का फर्क क्या है, हो सकता है। तो इसी बुनियाद पे हम कहते हैं कि जो फैक्ट्स हैं ना वो बेसिकली तीन होते हैं। फैक्ट सिर्फ चार गिनते हैं लेकिन तीन उसको हम लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि साइंटिफिक ट्रुथ्स, साइंटिफिक लॉ का बनता है जब वो कोई चीज प्रूव कर ले तो हम कहते हैं वो भी क्या बन जाता है, फैक्ट बन जाता है, ऐसे है नहीं। सो कोई भी साइंटिफिक लॉ होगा वो किस कैटेगरी में आएगा, फैक्ट की कैटेगरी में। दूसरी चीज यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, पूरी दुनिया उनको यूनिवर्सल ट्रूथ हम कहते हैं इसलिए पूरी दुनिया उनको
मान लेते हैं, वो भी क्या बन जाते हैं, फैक्ट बन जाते हैं। और तीसरी चीज, कोई भी बात जिस पे किसी को ऑब्जेक्शन ही ना हो वो भी क्या बन सकती है, फैक्ट बन सकता है। जिसकी मिसाल मैंने ये दी कि वो अगर वो हिस्ट्री से है तो हिस्टोरिकल फैक्ट हो जाएगा, अगर इकोनॉमिक्स से है इकोनॉमिक फैक्ट बन जाएगा, कोई भी किसी भी क्लास का। तो सो जब मैं एसे लिखूंगा तो एसे के अंदर मेरा एम्फेसिस किस चीज के ऊपर होगा, ओपिनियन के ऊपर। अच्छा, क्या ओपिनियन प्रूव हो सकती है? मैं एक स्टेज और आगे गया, अच्छा हम कहते हैं कि ओपिनियन दो दो तीन तरह की होती है। मैं अगर ये कहूं कि पॉपुलेशन माइग्रेशन का या अर्बनाइजेशन का मेजर कॉज क्या है, ये मेरा क्वेश्चन है। अर्बनाइजेशन का मेजर कॉज क्या हो, आप बताएं क्या हो सकता है? ठीक, आप मोर इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटी, पॉवर्टी। ठीक, मैं अब इसी को लिखता हूँ, फिर आप लोगों को थीसिस स्टेटमेंट समझा। वार ऑन टेरर, पॉवर्टी, अपॉर्चुनिटी, ये तीन है। क्या ये तीनों गलत है? सही है, तीनों इलीगल होते हैं। इसने एक लिया, उसने और लिया, आपने तीसरा लिया, ठीक, मल्टीपल रीजन। अब आपके दिन में शायद और भी 10 रीजन हो लेकिन आपने एक लिया, आपके दिन में और होंगे आपने उनमें से एक लिया, ऐसे है नहीं? तो सो इसका मतलब ये होता है कि वो प्रेजेंट कैसा करता है, वो कन्विंस कैसा करता है, वो परसूव कैसा करता है। गलत सही नहीं होती, ये याद रखें। कोई कहे कि ये मेरी ओपिनियन बहुत ये गलत है, ये ऐसा नहीं है, ये डिपेंड किस पे कर रहा होता है। प्रूव कर सकते हैं या प्रूव नहीं कर सकते। आपके पास एक चीज के 10 रीजन थे, आपने एक दिए, आपने 9 क्या कर दिए, इग्नोर कर दिए। आपने समझा कि 10 में से ये एक रीजन है जो सबसे अच्छा है, जिसको मैं डिपेंड कर सकता हूं, ऐसे नहीं? तो वो स्टैंड जिसको आप पिकअप करते हो, पिक करते हो, उस स्टैंस को थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं। यानी किसी चीज के 10 एंगल हो सकते हैं कि ये भी है, ये भी है, ये ऑप्शन है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, 10 हो सकते हैं। आपने क्या चीज पिक की, जो आपने पिक की तो उसको क्या कहते हैं, वो आपकी थीसिस स्टेटमेंट। यानी एक चीज के ऊपर 10 ओपिनियन हो सकती है, लेकिन जिस ओपिनियन को आप पिक करें, जिसको आप समझेंगे कि ये सबसे अच्छी है, उसको हम क्या कहते हैं? तो जब हम ये कहते हैं, हम सिंपली कहते हैं कि ओपिनियन जो है कि प्रूवेबल होती है या नॉन प्रूवेबल होती है, या इसकी प्रोबेबिलिटी होती है, एक बात की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है और एक की कम है। जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो उसको थीसिस स्टेटमेंट। तो जब मैं ऐसे में लिख कहता हूं ना कि ये मेरी थीसिस स्टेटमेंट है, तो मैं दो बातें कह रहा हूं। एक बात मैं ये कहता हूं कि ये मेरी ओपिनियन है, और दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि मैं इस ओपिनियन को प्रूव भी कर सकता हूं, कन्विंस भी कर सकता हूं। आप समझे, ओपिनियन और थीसिस स्टेटमेंट में फर्क क्या है? कि हर थीसिस, हर ओपिनियन प्रूवेबल नहीं होती, लेकिन हर थीसिस स्टेटमेंट क्या होता है, प्रूवेबल होता है। तो हम कहते असूल ये है कि एवरी थीसिस स्टेटमेंट इज एन ओपिनियन, बट एवरी ओपिनियन इज नॉट अ थीसिस स्टेटमेंट।
अब ये तीन चीजें आप लोगों ने बिल्कुल अपने ध्यान में क्लैरिटी के साथ बिठानी है कि ओबीडियन क्या है, फैक्ट क्या है और थीसिस स्टेटमेंट क्या है। तो हमने कहा ओबीडियन क्या है, एक स्टैंस, एक बिलीव, जिसको हम जिसकी बुनियाद इन दो चीजों के ऊपर ना हो उसको हम कहते हैं दिस इज अ ओबीडियन। अगर मैं उस ओबीडियन प्रूवेबल मेरी बात है तो मैं क्या कहता हूं, दिस इज माई थीसिस। तो ऐसे डील किससे करता है, ऐसे में जो एग्जामिनर आपका चेक करता है वो कहता है इसने ओपिनियन दी या ओपिनियन नहीं। तो अब आपको ओपिनियन समझ आ गई, जो आप चीज देंगे वो क्या होना चाहिए। अब मैं उसकी करेक्टरिस्टिक देखता हूँ, चार पांच करेक्टरिस्टिक्स होती है ओपिनियन की ना, फिर हम ये आएंगे इसके ऊपर कि वो ये उन करेक्टरिस्टिक को मीट करती है या मीट नहीं करती। नंबर वन, ओपिनियन क्वेश्चन बेस्ड नहीं होती, इट शुड नॉट बी क्वेश्चन स्टेट, ये याद रखना। ओपिनियन क्वेश्चन इट कैन नॉट बी वर्डेड इन क्वेश्चन, यानी आप कहेंगे व्हाट इज दिस, वेयर इंटरोगेटिव फॉर्म में नहीं हो सकता। पहली चीज इसकी जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये एक कंप्लीट थॉट हो गई, डिसजॉइंटेड या डिसइंटीग्रेटेड नहीं होती, कंप्लीट था। तीसरी इसकी डेफिनेटली इसकी जो बेस है इट इज नॉट बेस्ड ऑन, या इट इज नॉट, आप सिंपल ये कह लें इट इज नॉट इंपेरिकल डेटा और एब्सोल्यूट सर्टेनिटी। चौथी चीज स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक जो बात उसने मुझसे पूछी है वही होती है। पांचवी बात कि इसके अंदर जजमेंट है, ये एक स्टैंस है जिसकी बुनियाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसकी बुनियाद पे कोई फैसला लिया जा सके, इट इज सॉर्ट ऑफ जजमेंट। Yes, stands. छठी ये क्लियर होती है, क्लैरिटी होती है इसके अंदर, अनएम्बिगुअस नहीं होती। जो बात मैं कहना चाहता हूं बड़ा क्लियरली कहता हूं, एम्बिग्युटी नहीं रखता उस बात। तो ये इसकी हैं कुछ करैक्टरिस्टिक्स। और डेफिनेटली अगर आप और मैं लिख दूं तो रेलिवेंट टू द टॉपिक हो, रेलिवेंट रिलेटेड टू द टॉपिक। तो अब हमारे पास ये चीज, अब हमने इनको एनालाइज किया। बेसिकली डिपेंड करता है ऑन द क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या है, वो उसकी डिमांड क्या है, उसके बाद फिर फर्दर मतलब ये। अगर क्वेश्चन वो एक थॉट डिमांड करता है तो एक थॉट होनी चाहिए, अगर दो करता है तो दो होनी चाहिए, लेकिन गहरे होता आपस में कनेक्शन होगा। अब ये समझ है क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेश नहीं होती, दूसरी चीज क्या है कंप्लीट थॉट है, इस ये कोई एब्सोल्यूट सर्टेनिटी नहीं होती, कोई डेटा नहीं होता जो हमने पहले डिस्कस किया,
स्पेसिफिक होती है, इसके अंदर जजमेंट होती है, स्टैंड होता है, क्लैरिटी के साथ मैं अपना स्टैंड देता हूँ, और क्लैरिटी इसमें होती है और अच्छा इसको करने से पहले एक और चीज भी आप लोगों को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, वो भी इसी जो सीएसएस है, सीएसएस में जो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं इसके बारे में अपनी राय दें, वो क्वेश्चन चार तरह के होते हैं, क्वेश्चन चार तरह के, चार से पहले मैंने नहीं देखा, चार टाइप के होते हैं जिनके बारे में कहता है कि इस टॉपिक टॉपिक आप क्यों समझते हैं, तो जो टॉपिक है वो कितनी कैटेगरी के होते हैं, चार, उनसे बाहर नहीं है। तो अब हर एक का जो थीसिस स्टेटमेंट बनाना है, उस पर जो ओपिनियन देनी है, उसका तरीकाकार डिफरेंट है, तो हमें वो उसको अंडरस्टैंड करना है, फिर हम इसको मिसाल के तौर पर ये मैं टॉपिक्स की कैटेगरी बता देता हूँ, टॉपिक्स की कैटेगरीज क्या है, ठीक, हम कहते हैं कि ये कंप्लीट टॉपिक्स है, दूसरा हम कहते हैं ये क्वेश्चन बेस्ड टॉपिक्स है, तीसरा हम कहते हैं ऑप्शन बेस्ड टॉपिक्स है, और चौथा हम कहते हैं इनकम्प्लीट टॉपिक्स। ये चार से बाहर नहीं है, पहली कैटेगरी कंप्लीट, दूसरी कैटेगरी क्वेश्चन बेस्ड, तीसरी कैटेगरी ऑप्शन बेस्ड, और चौथी इनकम्प्लीट। जब तक आप इन टॉपिक्स का ख्याल नहीं रखेंगे, उसकी कैटेगरी का, आप थीसिस स्टेटमेंट ओपिनियन अच्छी नहीं बना सकते, रिक्वायर्ड रेलिवेंट नहीं बना सकते। अब कंप्लीट टॉपिक की मिसाल क्या है, कंप्लीट टॉपिक वो होता है उसकी जो अपेरेंट है थंब रूल ये है कि वो पूरा सेंटेंस हो, यानी उसमें पूरी बात कंप्लीट हो, पूरा सेंटेंस हो। अब मैं इसमें से जो आप लोगों का पेपर आया है और ये अंडरस्टैंड करना बहुत, इसको अपने ध्यान में फिक्स कर, इसके बगैर आप आगे नहीं पढ़ सकते, ये जो भी ये जो चीज है बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, इस पे आप इतने क्वेश्चन हो मुझसे पूछ। पहली चीज मैं इसकी अब मिसाल दे रहा हूं, स्वीट्स आर द यूजेस ऑफ एडवर्स, every solution breeds new problems, if gold rust what shall iron do, we don't speak about our cause, we talk about our opponents, ठीक है। अब ये क्या है, कंप्लीट सेंटेंसेस है जिससे पूरी बात समझ आती है, इसके अंदर स्टेंस है कि नहीं, पूरी बात उसने पूरा सेंटेंस दिया, सेंटेंस से मुराद यह है कि पूरी बात है, उसके अंदर वर्ब भी है, एडवर्ब भी है, नाउन भी है, पूरा सेंटेंस है। सो जो भी टॉपिक इस कैटेगरी में फॉल करें, ये असूल याद रखें कि जो भी टॉपिक इस कैटेगरी में फॉल करें उनके साथ क्या करना होता है, एग्री या डिसएग्री, जो भी टॉपिक उसकी ओपिनियन बनाते वक्त आपके पास दो चीजें हैं, या एग्री या डिसएग्री। अगर आप इनके साथ एग्री करते हैं, अगर आप एग्री करते हैं तो यही टॉपिक यही स्टैंस आपका एज सच ओपिनियन बनेगा,
समझे? ये पहली शर्त याद रखना है कि अगर पहली क्या है कि ये कंप्लीट हो, उसके अंदर एक पूरी बात होती है, पूरा स्टैंड होता है। अब जब आपने ओपिनियन बनानी है आपने उसको, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। अगर आप एग्री करते हैं तो यही इन इटसेल्फ आपकी थीसिस स्टेटमेंट बनेगी। अगर आप डिसएग्री करते हैं तो जो आपका पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट है उसको आप इसके अंदर शामिल करें और वो आपकी थीसिस स्टेटमेंट बने, वो आपकी ओपिनियन बने। सो बहुत आसान कि ऐसे टॉपिक जो कंप्लीट हो और ये मेजॉरिटी होती है ऐसे पेपर के अंदर, तो आप थीसिस स्टेटमेंट खुद से बनाने की उससे बच जाते हैं। आपने सिंपल करना क्या होता है, एग्री या डिसएग्री। अगर आप एग्री करते हो तो वही टॉपिक आपकी थीसिस स्टेटमेंट है। आप सिंपल टॉपिक लिखेंगे, नीचे हेडिंग देंगे और वही आपकी थीसिस स्टेटमेंट है। मैंने इस पार्टी को वोट देना है और इसको नहीं मिला, सीएसएस पेपर देना है तो नहीं मिला। हमेशा स्टैंस, यही तो हमने कहा है कि स्टैंस क्या होता है, बड़ा क्लियर। आपने एग्री किया या और जिस हद तक डिसएग्री किया वो मैंने कहा कि पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट आप उसका पार्ट बनाए और वो क्या हो जाएगा आपकी थीसिस। सो बहुत आसान है कि इन टॉपिक्स की जब मैं थीसिस स्टेटमेंट बनाऊंगा तो मेरी, मैं अगर एग्री करता हूं तो यही बात मेरी थीसिस स्टेटमेंट, यही मेरी थीसिस स्टेटमेंट, यही मेरी थीसिस स्टेटमेंट, यही मेरी थीसिस स्टेटमेंट। आसान है ना? तो सो वो टॉपिक जो कंप्लीट हो एग्री करें तो वही थीसिस स्टेटमेंट, डिसएग्री करें तो जो आपका डिसएग्रीमेंट का पॉइंट है शामिल करें थीसिस स्टेटमेंट। तो ये पहली कैटेगरी, ये किस में है, कंप्लीट टॉपिक। दूसरी बात क्वेश्चन बेस्ड। जी सर, कंपल्सरी है कि इसी को यूटिलाइज करके किसी स्टेटमेंट बनानी है या हम उसको रीस्ट्रक्चर एंड अपनी थॉट्स? नहीं, सिर्फ वही बात जो उसने कही, आपने एग्री किया कि किससे किया, उसकी थॉट्स, तो जाहिर है वही थॉट आपकी थॉट, आप खुद से नई एडिशन नहीं करते। अगर मैं, इसका मतलब ये होता है कि मैंने आपको कहा है कि ये एक कैटेगरी है, ये बात है, आपने मेरी बात से एग्री किया तो वही आपकी। अगर आप मेरी बात से एग्री नहीं करते तो आप अपना पॉइंट शामिल करें और वो अपना पेशा कर लो उससे, इतना आइडिया स्ट्रिक्टली हुई है, वर्डिंग से प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बात से एग्री किया ना, वर्ड से नहीं, कि वर्ड से ऑटोमेटिकली मैं उसको सिंपली किसी भी कंटेक्स्ट में कह सकता। दूसरी मेरी कैटेगरी क्या है, क्वेश्चन बेस्ड। क्वेश्चन बेस्ड भी क्या है कि कोई भी आपका टॉपिक वो किस किसकी बुनियाद पे हो, क्वेश्चन की बुनियाद पे हो। मिसाल के तौर पर कि उनकी थीसिस स्टेटमेंट कैसे बनाएं, नहीं वो क्वेश्चन बेस्ड तो नहीं, क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन ऑफ द व्हाट वेयर व्हेन, वो क्वेश्चन, ये तो उसने स्टार्ट किया। वो कहता है कि अगर लोहे को दंग लग सकता है तो एरन को क्या कर सकते, चंगी चीज खराब हो सकती है तो छोटी चीज तक की, वो तो वैसे ही खराब है ऐसे ना। अगर हमारा चीफ जस्टिस खराब हो सकता है तो सिविल जज की क्या है, अगर उस्ताद खराब हो सकता है तो स्टूडेंट की क्या है, अगर वालिद खराब हो सकता है तो बच्चे की क्या है ना, अगर डोनाल्ड ट्रंप खराब हो सकता है तो अफगानिस्तान का क्या कसूर है। कोई भी गोल जो बड़ी चीज जिसको सोसाइटी मॉडल कहे, उसका कहने का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो चीज जिसको सोसाइटी मॉडल कहे, अगर मॉडल ही खराब हो जाए
तो वो लोग इन्होंने मॉडल को फॉलो कर लिया। टॉपिक इतना आसान है, इतना मजेदार टॉपिक है। क्वेश्चन बेस्ड, मिसाल के तौर पे एक सवाल में लिखा, ये भी सीएसएस के, कैन वुमेन बी इक्वल टू मैन इन पाकिस्तान? अब इसकी थीसिस स्टेटमेंट बनानी है, ये क्या है? क्वेश्चन बेस्ड। या एक और है, कैन देयर एवर बी रूल ऑफ लॉ इन पाकिस्तान? दोनों की सेम बनेगी, यस बट देयर आर मेनी हर्डल्स। ठीक है, अब इसकी आपने थीसिस स्टेटमेंट एंड पर्सन नो डाउट women can be equal to men in Pakistan. Oh, Lalma, I no doubt nahi aaya. Ke dekho, beyond doubt to hum kari nahi sakte. Opinion meri hai ye. To hamesha thesis statement mein ye jumle nahi likhe. In my opinion. In my view. Ye word bhi nahi likhe. And if you mere opinion hai, jo bhi stance hai, mera stance hai. Dekho, इन क्वेश्चन का जवाब आप सिंपली यस और नो से देते हैं, और जो भी यस और नो से दोगे वो आपकी थीसिस स्टेटमेंट। ये असूल याद है। मैं रेटो क्वेश्चन, जैसे पहले के साथ हमने क्या किया, एग्री और डिसएग्री। जब भी क्वेश्चन बेस्ड कोई चीज आए तो क्वेश्चन बेस्ड के साथ क्या करना, यस और नो। मिसाल के तौर पर, कैन वुमेन बी इक्वल टू मैन इन पाकिस्तान? ठीक है, तो मेरा जो थीसिस स्टेटमेंट बनेगी, अगर मैं इससे मेरा जवाब यस में है तो मैं लिखूंगा वुमेन कैन बी इक्वल टू मैन इन पाकिस्तान, बस। इससे आगे मैंने कुछ नहीं लिखा, वो मुझे पता है कि कैसे हो सकते हैं। उसका ताल्लुक बॉडी से, यानी वो स्पोर्ट से है, वो थीसिस स्टेटमेंट से उसका ताल्लुक नहीं है। जी भाई, क्लैरिटी नहीं है, मेरा स्टैंड क्लियर नहीं होगा। मैं उसकी बताता हूँ वजह क्या, मैं उस पर आता हूँ, लेकिन सिर्फ ये समझ नहीं, तो मैं बीच वाला स्टैंड क्यों नहीं ले सकता? वो कमी है, लेकिन वो फिर सवाल बदलना है। There is no doubt. Basically, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब कोई आपसे क्वेश्चन करता है तो क्वेश्चन के डिफरेंट अंदाज, हर क्वेश्चन का जवाब एक तरीके से नहीं दिया जा सकता, ऐसे है ना? जब मैं क्वेश्चन करता हूँ उसका एक और अंदाज, जब मैं पूरी स्टेटमेंट बोलता हूँ तो उसका और जवाब है, जब मैं इनकम्प्लीट कहता हूँ तो उसका और जवाब है, जब मैं आपको ऑप्शन देता हूँ तो उसका और जवाब है। तो सो अगर आप ये कहना चाहते हो कि नहीं, मैं खुद से चीज़ें ऐड करूँ, खुद से अपनी चीज़ें ले आऊँ, तो फिर आपको चौथी चीज़ आप करनी पड़ेगी, इनकम्प्लीट वाली, वो टॉपिक आप करना पड़ेगा। हर क्वेश्चन की लिमिटेशन है, सही है? नहीं, तो बात अगर हो सकती है, उसने ये तो नहीं कहा कि 5 सालों में हो सकती है, 10 सालों में, ये तो आपने बॉडी के अंदर है ना, आपने एक्सप्लेन करना है इसी बात। मेरा स्टैंड से हो सकती है, उसने मुझसे सिर्फ इतना पूछा कि हो सकती है, हो सकती है। जब मुझसे अगला सवाल करेगा तो 5 साल में हो सकती है, 10 साल में हो सकती है, 2 साल में हो सकती है, तो मैं फिर जवाब दूंगी। देखो यही तो फर्क है, जो मैं पहले कह रहा था कि टॉपिक को अंडरस्टैंड नहीं करते, हमने एक पढ़ा था कि टॉपिक पर फोकस नहीं करते, टॉपिक को अंडरस्टैंड नहीं करते, जो हमने फेल होने के रीजन पड़े। वजह यही है कि हमेशा याद रखना है, उसने मुझसे जो सवाल पूछा, जिस हद तक पूछा, मैंने उसी तक फोकस,
वो ये कह रहे हैं कि ये आप किस पे आप आर्गू करें, मैं उस पे आर्गू करें, सही हो गया। सही, ग्लोबल वार्मिंग फैक्टर फिक्शन इसी में आएगा। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग फैक्टर फिक्शन। नहीं, ये सवाल तो मैंने कहा निशानी है, निशानी पे जो पहले ही है वो कंप्लीट स्टेट, आपको वो टॉपिक देखते हुए पता लग जाएगा ये कंप्लीट सेंटेंस है या कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, पता लगता है ना सवाल देखते। दूसरी चीज क्या है, क्वेश्चन फ्रेज, वो हमेशा शुरू ही क्वेश्चन से होगा, कैन, विल, डिड, व्हाटसोएवर द केस में भी वो शुरू ही क्वेश्चन से होगा। जैसे हमने ये मिसाल मैंने दी है ना, तो इनका जवाब किससे दिया जा सकता है, यस सर, नो से। आपने जो स्टेटमेंट बताई फर्स्ट टॉपिक की, सो टोटली फाइन, बट उसके आगे थोड़ा सा इतना ऐड से ऐड कर सकते हैं आफ्टर ओवरकमिंग मल्टीपल हर्डल्स या थोड़ा सा क्लियरली साहब कि बॉडी में हम वही चीज डिस्कस कर रहे हैं, बॉडी में कर रहे हैं, बॉडी की भी हम बात कर रहे हैं। मैं तो अभी मेरा देखो स्टेप बाय स्टेप क्या है, अब नहीं लिख सकते यहाँ पे क्योंकि बॉडी में मेन स्टांस तो मेरा वही यही होगा ना कि इक्वल हो सकते हैं बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उनके बाद, हो सकता है लेकिन थीसिस नहीं, थीसिस की डेफिनेशन थीसिस में नहीं, छोटा सा हाफ सेंटेंस वेल क्यों लिखना है, बट लिख लिख के प्रैक्टिस हो गया सर, मैं पीछे ही आया था सर। ये जो क्वेश्चन वाले हैं इनका तो सर हम थीसिस स्टेटमेंट में कर देंगे कि यस वुमन कैन बी इक्वल टू यस का लफ्ज नहीं लिखना, सिंपल लिखना है वुमन कैन बी इक्वल टू सर। अगर दूसरे स्टैंड में जो पीछे लेते हैं तो पीछे लेते हैं उसको डिसएग्री हो रहा है पर इसको सॉल्यूशन भी नहीं तो इसका फिर नेगेटिव पॉइंट किस तरह से नेगेटिव में ये कह सकते हो, मिसाल के तौर पे आपका टॉपिक आता है कि मिलिट्री इज द ओनली सॉल्यूशन टू कंबैट टेररिज्म, ये टॉपिक है ठीक है, तो आप एग्री भी कर सकते हो डिसएग्री भी कर सकते हो। अगर आप डिसएग्री करते हो तो आप ये कह सकते हो कि मिलिट्री इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन टू कंबैट टेररिज्म, ठीक है ना, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से डाल सॉरी बात है। जब आप उसको डिसएग्री करते हो तो फिर आपको इजाजत है कि अपना पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट शामिल करते हैं, हाँ अगर आप उसे एग्री करते हो तो फिर तो वही बात। तो ये मैं ले रहा था कि ये क्या टॉपिक्स हैं, क्वेश्चन बेस, क्वेश्चन बेस की निशानी जब आपके दिमाग में आता है क्वेश्चन तो हाउ गई क्वेश्चन, आपने उस क्वेश्चन का जवाब दे दिया, बी फोकस्ड ऑन द टॉपिक, जिस हद तक जो टॉपिक हो जिस हद तक पूछे उसी हद तक आपने जवाब। और ठीक हो गई। तीसरी चीज है ऑप्शन बेस्ड, ऑप्शन बेस्ड, ऑप्शन वो फिर इस कैटेगरी में नहीं आएगा, उसकी मैं अभी मिसाल दे रहा हूँ। वो मैंने एक साल में देखा है कि एक साल में इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, अदरवाइज उस तरह का होगा। ऑप्शन में जैसे भाई ने अभी कहा ग्लोबल वार्मिंग फैक्टर फिक्शन वार एंड टेरर मिथ रियलिटी, तो अब उसने आपको ऑप्शन दिए, आपकी ओपिनियन क्या होगी, आपने एक ऑप्शन पिक करना है और जो ऑप्शन आप पिक करेंगे वो क्या बन जाएगी आपकी थीसिस स्टेट। आप मिसाल के तौर पर ये कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग इज अ मिथ, तो ये आपकी थीसिस स्टेट या ग्लोबल वार्मिंग इज अ रियलिटी। उस जब ऑप्शन देता है ना तो आपने एक ऑप्शन पिक करना है, ऑप्शन जब भी देगा तो आप आपकी थीसिस स्टेटमेंट क्या बनेगी जब आप कोई एक ऑप्शन पिक करते हैं, ये वो टॉपिक की है निशानी है। इसमें कोई है ऑप्शन वाला नहीं, इसमें ठीक हो गया। अब इन तीन में क्लैरिटी है कि कंप्लीट स्टेटमेंट एग्री किया तो वही थीसिस स्टेटमेंट, डिसएग्री किया तो पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट शामिल करें, अगर क्वेश्चन बेस्ड हो तो यस और नो, जो भी स्टैंस है वो मैंने लिया वो मेरी थीसिस स्टेटमेंट, और अगर ऑप्शन वाले हो तो मैंने एक ऑप्शन पिक किया और वो मेरी थीसिस स्टेटमेंट। क्वेश्चन बेस्ड है उसमें अगर हम उसमें जो डिसएग्री करते हैं नो करते हैं तो उसमें पार्ट ऑफ डिसएग्रीमेंट इसमें नहीं, उसमें जरूरत नहीं, वो आप बॉडी के अंदर प्रूव करो। जो क्वेश्चन बेस्ड है तो इसमें जो हम अपने स्टांस ले रहे हैं
स्टांस काफी रिजिड नहीं हो जाता, एब्सोल्यूट नहीं हो जाता हमारी अप्रोच कि यही है, इसका कोई और एंगल है। इससे मुराद मतलब ये नहीं है स्टांस आपका जो भी है, बात तो ये है कि मैं क्या मेरा स्टांस ठीक है इस पे, ये नहीं होता कि रिजिड है या रिजिड नहीं है, वो आपसे बाहर आपका एक व्यू चार्ट है। तो आप किस चीज पे बिलीव रखते हो, जैसे मैंने कहा कि थीसिस स्टेटमेंट जब आप लिखते हो दो बातें करते हो, आप क्या कहते हो, आप कहते हो कि ये मेरी ओपिनियन है और दूसरी मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूं। जिस चीज को आप प्रूव कर रहे हो, जो आप कॉन्फिडेंट हो कि यार इसको मैं प्रूव कर सकता हूं, ये परसुए 100% नहीं, बियॉन्ड डाउट नहीं, ये पहले हमने कहा ओपिनियन का है ही है, तो बियॉन्ड डाउट हो ही नहीं सकता। लेकिन आप जिसको परसुएड कर लेते हो किसी चीज को, तो वो आपकी ओपिनियन है, इसमें गलत सही की बात ही नहीं। देखो अगर यही तो फर्क है कि अच्छा लॉयर जो है वो गलत बात को भी कोर्ट से मनवा के और मुल्जिम को बरी करा ले, है कि नहीं, वो यही है ना उसका स्टैंस, उसने प्रेजेंट कैसे किया, उसने आर्गू कैसे किया, उसने अपनी बात को आगे लेके कैसे किया, दैट डज मैटर। और यही ऐसे के अंदर रिक्वायर्ड, सही है ना। चौथी चीज जी भाई, मेरा क्वेश्चन जो आपने क्वेश्चन रेज किया है, मैं इसकी क्वेश्चन ये फॉर एग्जांपल ऐसे कैन मोमेंट इक्वल टू पाकिस्तान, हमारे इक्वल टू पाकिस्तान, अच्छा इक्वल टू मैन पाकिस्तान, ठीक है, हमारा ये स्टांस है कि यस दे कैन बी, यस तो नहीं लिखा बट दे कैन बी इक्वल टू मैन पाकिस्तान, ठीक है। अब मैंने हाउ दे कैन बी इक्वल टू उसका पार्ट थोड़ा सा थीसिस में डाल दिया, नहीं नहीं का बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, टू बी अ सिंपल वन, सिंपल वन लाइन। सर तो मैं ऐसे कह रहा हूँ कि वुमेन कैन बी इक्वल टू मैन इन पाकिस्तान, ये वही वो लिमिटेड रेंज वाली वो बात नहीं आती थी कि मैं कुछ उसने मुझे पूछा ही इसी तरह, उसने मुझसे पूछा ही था। देखो मैं यही तो बात कर रहा हूँ, यही तो पहली बात हमें अंडरस्टैंड करनी है कि वो मुझसे जो बात पूछे जिस हद तक पूछे मैंने उसी तक जवाब दिया, मैं खुद से उसने मुझसे जो बात नहीं पूछी भाई छोड़ा यहां से पढ़ा। और इसमें घबराने वाली बात नहीं है, इसमें यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि यार ये मेरा स्टैंड है, मैं इसको ऐसे प्रूव कर सकता हूं, अल्लाह अल्लाह है। उस पे फिर सारी चीजें वो इस चौथी कैटेगरी में फॉल करेगा। इनकम अभी इनकम्प्लीट का मैंने नहीं बताया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इस पे ये तीन तो बहुत आसान थी कि आपने एक एग्री था एग्री कर लिया, कोई भी चीज थी क्वेश्चन था जवाब दे दिए, ऑप्शन थे ऑप्शन पिक कर लिया, आसान है ना। चौथे पे आपका अब आपका इसमें पता लगता है कि इसमें लिमिट और रेंज की बात आती है जो आप बात कर जो हमने कर लिया। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये जो टॉपिक है ये इनमें से किस कैटेगरी में फॉल करता है। अभी इसके बाद हमने करनी यही है कि आपके पेपर पुराने निकालें, डिफरेंट टॉपिक्स होंगे उनकी आप लोगों को मैंने यही बनाया ताकि हमें रियल उसका पता लगे कि थीसिस स्टेटमेंट हमने बनानी कैसे, स्ट्रेंथ हमारा। अच्छा जी चौथी कैटेगरी इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट टॉपिक कौन से हो, फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, गुड। और डेमोक्रेसी होप्स एंड बर्डन्स, गुड। Hopes and hurdles. CPAC and its economic implications. ठीक है, अब याद रखेंगे जितने incomplete topic है जो डिग्री ऑफ इनकम्प्लीटनेस है ना वो वेरी करती है। मैं एक मिसाल दूंगा उस डिग्री, मैं कह रहा हूँ डिग्री ऑफ कम्प्लीटनेस
फेरी करती है प्राप्त आदित कुटा और उसका इम्पैक्ट पड़ता है थीसिस स्टेटमेंट बनाने के ऊपर। अब देखें मैं अगर ये टॉपिक लिखूं वो मैन, फिर मैं कहता हूं वो मैन इन पाकिस्तान, फिर मैं कहता हूं वो मैन इन इस्लाम, फिर मैं कहता हूं राइट्स ऑफ वोमेन इन इस्लाम, फिर मैं कहता हूं राइट्स ऑफ वोमेन इन इस्लाम आर सिक्योर। ये मैंने चार स्टार पाए, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को इसका अवेयर बना। अब देखें ये जो पहला है इनकी आप लोगों ने ओपिनियन लेनी है चारों के ऊपर, चारों मिसाल के तौर पर उठा के, तो क्या आंसर की ओपिनियन एक बनेगी मुख्तलिफ बनेगी? क्यों स्कोप डिफरेंट है, ठीक है, अपने टेक्निकल का आपने इस्तेमाल की कोड स्कोप इसका डिफरेंट, कैसे डिफरेंट है आपको कैसे पता लगा कि इसका स्कोप डिफरेंट है? अच्छा, अब इसका मतलब है कि इन टॉपिक कंप्लीट करने के लिए मेरी थीसिस स्टेटमेंट कब बनेगी? जब मैं कंप्लीट करूंगा, यही है ना। हम इन ये इनकम्प्लीट है और थीसिस स्टेटमेंट बनाते हुए मुझे कंप्लीट करना है, सही। अब मैं कंप्लीट कैसे करूंगा? कंप्लीट करने के लिए मुझे स्कोप का पता होना चाहिए, यही बात है। इनकम्प्लीट है थीसिस और थीसिस स्टेटमेंट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इनको कंप्लीट, और कंप्लीट करने के लिए मुझे किस चीज का पता हो? स्कोप। अब मैं इनका स्कोप कैसे डिटरमिन करूंगा? याद रखें कि जो एग्जिस्टिंग वर्ड होंगे ना, जो गिवन वर्ड होंगे, वो हिंट देते हैं उस टॉपिक के स्कोप के बारे में, जो गिवन वर्ड होते हैं। अब देखें इन तीनों का हर एक का स्कोप मुख्तलिफ है, हमने वो स्टेटमेंट गिवन वर्ड पढ़े और हमने अंदाजा लगाया ऐसे, तो बेसिकली तीन क्राइटेरिया है जिसकी बुनियाद पे हम स्कोप आइडेंटिफाई करते हैं, वो मैं लिखता हूँ, फिर उसके अगेंस्ट हम इनको एनालाइज करते हैं। तीन चीजें हैं, जब भी इनकम्प्लीट टॉपिक आए तो उसका स्कोप डिटरमिन करने के लिए मुझे तीन चीजों का ख्याल रखना, और उन तीन को ध्यान में रख के फिर मैंने उसको कंप्लीट कर दिया। पहली चीज हम कहते हैं जियोग्राफिकल, दूसरा हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल, तीसरा हम कहते हैं आइडियोलॉजिकल। ये तीन उसके करेक्ट स्कोप है। जब तक मैं तीन ध्यान में नहीं रखूंगा मैं उसको उसका स्कोप डिटरमाइन नहीं करूंगा। पहली चीज क्या है? ज्योग्राफिकल, दूसरी चीज क्रोनोलॉजिकल, और तीसरी आइडियोलॉजिकल। देखें इसका मतलब यह है कि जो मेरा टॉपिक है वो किस उसकी टेरिटोरियल लिमिट क्या है, कि मैंने इस क्लास के रेफरेंस से डिस्कस करना है, मैंने इस्लामाबाद के रेफरेंस से डिस्कस करना है, मैंने पाकिस्तान के रेफरेंस से डिस्कस करना है, या मैंने दुनिया के रेफरेंस से। तो टॉपिक खुद बताता है कि मेरी लिमिट कहां पे है। अब देखें ये टॉपिक है, इसमें कोई लिमिट है नहीं है, तो ऑटोमेटिकली मतलब होगा इसका लिमिट क्या है? यूनिवर्स। यानी जब भी मैं ये टॉपिक लूंगा तो मुझे वो मैं पूरी दुनिया के रेफरेंस से बतानी है, ये इसकी लिमिट। अगर मैं ये टच नहीं करूंगा तो इसका मतलब है मैं प्रॉपर उसको कंप्लीट नहीं कर, मैं उसका प्रॉपर स्कोप डिटरमाइन नहीं कर पा रहा। तो सोच जब भी ये टॉपिक होगा तो इसकी ज्योग्राफिकल क्या है? दुनिया। दूसरा वो मैन इन पाकिस्तान, अब स्कोप ज्योग्राफिकल लिमिट हुआ है। अब मैं जो वो मैन को डिस्कस करूंगा पाकिस्तान के कंटेक्स्ट, वो मैन इस्लाम, अब लिमिट क्या है? इस्लाम जहां भी वो, चाहे पाकिस्तान में है, चाहे इंडिया में है, चाहे अरब में है, चाहे जहां भी इस्लाम, अब मेरी ज्योग्राफी का लिमिट वो है। राइट्स ऑफ वुमेन इन इस्लाम अगेन हुई, समझ लो।
करो नॉलेज ही करो। मैंने किस टाइम पीरियड के हवाले से डिस्कस करा, पहला था ना ज्योग्राफी का, दूसरा था टाइम पीरियड के लिहाज से, कि मैंने वोमेन को हमारे पास जमाना क्या है, जमाने के लिहाज से हम यूं समझें हमारे पास जमाना क्या है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, यही है ना। तो सो क्या मैंने इस टॉपिक को पास्ट के हवाले से करना है, प्रेजेंट के हवाले से करना है या फ्यूचर के हवाले से करना है? तीनों, ठीक है, ओपन। इसका मतलब होगा कि मैं इस वुमेन को पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों के हवाले से करूंगा तो ये कंप्लीट होगा। मैं सिर्फ पास्ट के हवाले से करूंगा तो कंप्लीट नहीं होगा। जैसे आपने टॉपिक लिखवाया था फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, तो उसने टाइम को भी लिमिट किया था कि सिर्फ फ्यूचर की हद तक करें, ऐसे करें, या कोई कहता है कि सिर्फ पास्ट के हवाले से करें या प्रेजेंट, अगर वो लिमिट नहीं करता तो इसका मतलब है टॉपिक के अंदर तीनों जमानों के लिहाज से मुझे डिस्कस करना पड़ेगा। अब इसकी समझ आ, तो वो इसके अंदर क्या है, तीनों जमाने, इसके अंदर क्या है, तीनों जमाने, इसके अंदर तीनों जमाने, इसके अंदर तीनों, ये सारे तीनों, समझ। तो सो जब भी कंप्लीट करो, अब मुझे दो हिंट मिल गए, ज्योग्राफी के और टाइम पीरियड, थीसिस स्टेटमेंट बनाते हुए मुझे तीनों का ख्याल रखना है। और ये बड़ी चौथी तीसरी चीज क्या है, आइडियोलॉजी, कि मेरी कोई आइडियोलॉजी का लिमिट है या नहीं है। इससे क्या मुराद है कि मैं इसके कौन से आइडिया डिस्कस करूंगा, वोमेन है तो उसको पॉलिटिकल के हवाले से, इकोनॉमिक के हवाले से, सोशल हवाले से, किस कॉन्टेक्स्ट में करूंगा? पहले टॉपिक में ओपन है, इसका मतलब है तमाम एंगल्स जिनसे वोमेन कैन बी डिस्कस, आई शुड डिस्कस, फिर ये कंप्लीट होगा, समझे। चूंकि उसने लिमिट कोई नहीं लगाया। दूसरी चीज, वोमेन इन पाकिस्तान, ज्योग्राफिकल लिमिट है, आइडियोलॉजिकल लिमिट कोई नहीं। तीसरी चीज, वोमेन इस्लाम, कोई लिमिट नहीं है, इसमें लिमिट है। अब सिर्फ वोमेन को राइट्स के हवाले से हमने डिस्कस किया, समझे। तो सो जब भी इनकम्प्लीट टॉपिक आएगा तो उसके अंदर तीन चीजों का ख्याल रखना है, कि उसकी ज्योग्राफिकल स्कोप क्या है, उसका क्रोनोलॉजिकल स्कोप क्या है, और उसका आइडियोलॉजिकल स्कोप क्या है। वो टॉपिक आपको खुद बताएगा, और जब आप उसको ख्याल रखेंगे फिर वो जो टॉपिक था रेंज वाला, कि लिमिटेड रेंज है या लिमिटेड रेंज नहीं है, वो यहां पे सेटिस्फाई हो जाए। यहां तक कोई चीज हो तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, नहीं चलो ये करते हैं इसके बाद। नहीं, आपको फोकस फ्यूचर पे, उसने फ्यूचर पूछा है, मुझे फ्यूचर सिक्योर लगता है कि नहीं लगता, फ्यूचर मुझे कैसा नजर आ रहा है, मैं कहूंगा अच्छा नजर आ रहा है। अब मैंने उसको सपोर्ट कैसे करना है, ये अगली बात, किसी की दुनिया से करो, होप हमेशा फ्यूचर से होते हैं, हर्डल पास्ट और प्रेजेंट से, लेकिन टॉपिक खुद डिटरमाइन करेगा कि माधी में क्या होप्स एंड हर्डल्स हैं, अब क्या है, फ्यूचर में कब, तीनों कॉन्टेक्स्ट में भी कब। आइडियोलॉजिकल में आपने वुमेन का कहा है कि तमाम एंगल से डिस्कस करते हैं, बट फ्रॉम पेपर अटेम्प्ट पॉइंट ऑफ व्यू मल्टीपल एंगल, इज इट एन एप्रोप्रिएट वर्ड के तमाम तो कभी भी कवर नहीं हो सकते, तमाम होना चाहिए, किसी से आगे।